कि दिवाली है या रक्षाबंधन था या करवा चौथ था, जन्माष्टमी थी, ये सब मेरे लिए पहली बार है और ये मेरा कहीं ना कहीं सपना रहा है मनाने के लिए। तो पटाखे तो बैन है, थोड़े बहुत तो फोड़ सकते हैं भाई, दिवाली तो मना सकते हैं। और मैं तो चाहती हूँ हमारा एक छोटा सा, मेरा और सचिन का एक बेबी हो, ज़्यादा नहीं करेंगे फिर एक बेबी तो हम दोनों का ज़रूर होगा। वहाँ दो ही ईद होती है मैं आपको बता दूँ, इसके अलावा कोई बहन भाई का कोई त्यौहार नहीं है, कोई सी चीज़ें नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। इस्लाम में जब चाचा की लड़की तो बहन ही होगी तो वहाँ शादी करना कहीं ना कहीं कहते हैं अच्छी बात है, खुशनसीबी है, हमारी बेटी लकी है कि चाचा के लड़के की पत्नी बन गई, तो ये गलत है, कहीं ना कहीं वो बहन भाई ही लगते हैं। पाकिस्तान से आई सीमा को अब हिंदुस्तान में काफी वक्त हो गया है और जिस तरीके से सीमा लगातार हिंदू रीति रिवाजों पर बातें करती हैं, हाल ही में हमने देखा था कि किस तरीके से सीमा ने करवा चौथ मनाया था, लेकिन अब दिवाली आ गई है और पहली बार सीमा का परिवार मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। खुद सीमा भी मौजूद है, उनकी सास भी मौजूद है और साथ ही जेठानी और सचिन जी भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। दिवाली को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं मीणा फैमिली में, इसी पर हम लोग बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीमा जी, दिवाली को लेकर क्या प्लान है? करवा चौथ पर हमने देखा कि आप बेहद खूबसूरत लग रही थी, हमने वो तमाम वीडियोस देखी जिस तरीके से सचिन जी ने मंगलसूत्र पहनाया, आपको मांग में सिंदूर लगाया। अब दिवाली आ रही है, आज धनतेरस है, तो किस तरीके से दिवाली मना रही हैं? सबसे पहले तो आज धनतेरस है तो हमने जैसे बर्तन वगैरह मंगाए जाते हैं, रीति रिवाज से हम मना रहे हैं, तो सचिन बर्तन वगैरह लाए हैं, घर की जो चीज़ें कहते हैं लक्ष्मी आती है तो सारी चीज़ें चल रही हैं, घर सजावट, रूम की सजावट, बाहर घर की सजावट हमारी चल रही है, तो जैसे मनाते हैं धूमधाम से वैसे धूमधाम से मनाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि ये जो दिवाली है या रक्षाबंधन था या करवा चौथ था, जन्माष्टमी थी, ये सब मेरे लिए पहली बार है और ये मेरा कहीं ना कहीं सपना रहा है मनाने के लिए, तो इसलिए धूमधाम से मना रहे हैं और इस बार भी दिवाली भी धूमधाम से मनाऊँगी। और मेरी पहली है, कुछ चीज़ें मुझे नहीं आती तो मेरे भाई डॉक्टर ए पी सिंह मुझे बताते भी हैं, समझाते भी हैं और सासू माँ भी बताती हैं, माता जी भी बताती हैं, तो बहुत अच्छे से मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे। अच्छा, दिवाली के बारे में आप क्या क्या जानती हैं? जहाँ तक मुझे पता है कि राम जी वनवास से आए थे तो तभी हम खुशी मनाते हैं, दीप जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, दिवाली मनाते हैं, तो राम जी के वनवास से लौटने पे हम ये दिवाली मनाते हैं, तो इसलिए ज़रूर मनाएंगे, राम जी के लिए तो हमारे भगवान है वो, तो इसलिए धूमधाम से मनाते हैं। हिंदू धर्म में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है तो मैं भी मनाऊँगी क्योंकि मैं भी अब सनातन और हिंदू धर्म में हूँ जी। सीमा जी, पाकिस्तान में आपने दिवाली मनाई? कभी भी नहीं मनाई, ना कभी लाइव देखी है, मैं देखने तक कि कैसे, ना कभी भी नहीं, ना देखी है ना मनाई है, ना किसी को मनाते देखी है, कि मैंने कभी भी नहीं देखी। अच्छा, हमारी जब आखिरी बात हुई थी तब आपने बताया था कि जब आप पाकिस्तान में थी तब आपने सचिन जी के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, तो क्या पाकिस्तान में जब आप थी तो दिवाली देखी थी वीडियो कॉल से? हाँ, वीडियो कॉल से पूरी दिखाई इन्होंने मुझे, दिवाली भी और होली भी दिखाई थी, हर चीज़ें मुझे दिखाते रहते थे हर त्यौहार, तो मैं कहीं ना कहते काश सचिन मैं भी होती तुम्हारे साथ, तो ये चीज़ें अब कंप्लीट हो रही हैं जो कभी अधूरी थी, तो मेरा सपना रहा था वो पूरा हो रहा है भगवान की कृपा से, तो बिल्कुल दिखाते थे ये मुझे, पूरा सजाते थे घर को, वो भी दिखाते थे, इस बार तो हम दोनों मिलके सजा रहे हैं, पहले भी यही सजाते थे, मीना जी ही सजाते थे, तो वो दिखाते थे मुझे पूरा घर के मैं इस तरह मनाते हैं, ये चीज़ें हम करते हैं, तो पूरी दिखाते थे। अच्छा, दिवाली की साज सजावट के लिए कौन से ऐसा सामान लेकर आई है जो खास है? वैसे तो सारा सामान ही खास है, पोस्टर हैं राम सीता जी के हैं, राधा कृष्ण जी के पोस्टर मंगवाए हैं हमने, वो भी लगाएंगे और दीप जलाएंगे, दिए भी हमने, मैंने और मम्मी ने उस दिन आई थी लेडीज लेकर घर पे, तो हमने वो भी लेके रख दिए हैं और लाइटिंग वगैरह भी लगाई, कुछ लगाई हैं कुछ अभी लगाएंगे जी। बच्चों के लिए कपड़े और पटाखे आ गए हैं? कुछ कपड़े भी लाए हैं, पटाखे भी ले आए हैं और जो नए घर के बर्तन आते हैं वो भी ले आए हैं, जो नए नए चांदी का सिक्का आता है वो भी ले आए हैं, और गोल्ड तो इन्होंने मुझे पहले ही बनवा के दिया था, तो अभी शुभ माना जाता है, कहते हैं अच्छा होता है, लक्ष्मी आती है, तो मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि सबके घरों में लक्ष्मी आए, पूरे भारत के लोग जो भी हिंदू धर्म में जो भी ये दिवाली मना रहे हैं सबके घरों में लक्ष्मी आए, ये भी मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ और हम भी मना रहे हैं रीति रिवाज से जैसे मनाई जाती है जी। अच्छा, पटाखे कहाँ से लेकर आए, कौन लेकर आया था? सचिन जी लेकर आए थे, कहाँ से लेकर आया पटाखे? वो तो छोटे छोटे पटाखे हैं बच्चों के, जैसे कि लहसुन बम होते हैं, मार देते हैं बस, ये बाजार से ही तो बस। अच्छा, क्योंकि पटाखे तो बैन है, थोड़े बहुत तो फोड़ सकते हैं भाई, दिवाली तो मना सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत तो मना सकते हैं ना, सरकार ने बैन किए हुए हैं अब की बार पटाखे, कहीं ना कहीं ये दुख की बात है, दिवाली तो बंदा धूमधाम से मना ले, वैसे तो नॉर्मल नहीं फोड़े कोई बात नहीं,
त्योहारों पे तो फोड़ने चाहिए थोड़े बहुत छोटे मोटे जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि अयोध्या में अब की बार पूरी अयोध्या 24 लाख दीयों से जगमगाने वाली है, दीपोत्सव मनेगा, क्या जाना चाहती हैं आप अयोध्या में, दिवाली मनाना चाहती हैं? दिवाली मनाना कौन नहीं चाहेगा, पर हमारे तो कुछ पाबंदियाँ हैं, पर हम टीवी पे बैठ के ज़रूर देखेंगे, खूबसूरत नज़ारा होगा तो खूबसूरत नज़ारा हम टीवी पे बैठ के देखेंगे अयोध्या का जी। अच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर आप कोई तोहफा देना चाहेंगी दिवाली का तो क्या देंगे? क्या दूंगी, ये थोड़ा टिपिकल सवाल है। मैं तोहफे में फिलहाल तो उनके लिए मतलब दुआएं ही करूंगी हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, क्योंकि जिस तरह वो काम कर रहे हैं ना, वो बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारा लगता है। क्योंकि योगी जी और मोदी जी ने एक रिकॉर्ड बनाया है, अब लोग मिसालें देते हैं योगी जी और मोदी जी को, लोग मिसालें देते हैं कि प्रधान हो या देश के मंत्री हो तो ऐसे हो, तो इनको मिसाल में दिया जाता है। और वो इतने बड़े होकर सिंपल रहते हैं और जनता के लिए इतना कुछ करते हैं, तो उनके लिए तो दुआएं ही तोहफा है सबसे बड़ा। हम क्योंकि वो खुद ही इतने हैं तो हम उनको क्या तोहफा दे सकते, दुआएं दे सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि यूं ही जगमगाते रहें, चमकते रहें, ये हमारे सितारे हैं समझो देश के जी। बीच बीच में ऐसा सुनने को आ रहा था कि सीमा जी प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो इसकी सच्चाई क्या है हमारे दर्शकों को बताइए। ये प्रेगनेंसी वो चीज़ है जो बंदा छुपाए तो छुप नहीं सकती, तो मैं इसी बात के इतने जवाब दूंगी, अगर मैं हूँ तो सबको पता पड़ जाएगा जी। फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है, फिर अगर हैं तो पता पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, छुपाने वाली चीज़ नहीं होती। और मैं तो चाहती हूँ हमारा एक छोटा सा, मेरा और सचिन का एक बेबी हो, ज़्यादा नहीं करेंगे फिर एक बेबी तो हम दोनों का ज़रूर होगा, क्योंकि हम दोनों चाहते हैं हम दोनों की मोहब्बत की एक निशानी हो जी। चलिए ये तो आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है, हमारे दर्शकों को गुड न्यूज़ का इंतज़ार तो अब रहने वाला है। सीमा जी, जांच एजेंसियां जो हैं वो लगातार जांच कर रही हैं, तो क्या लगता है कि वो प्लानिंग कर रही हैं कि वापस आपको पाकिस्तान भेजने की? अब ये तो वो वही बता सकते हैं, पर मुझे जहाँ तक मुझे विश्वास है कि मेरे साथ गलत नहीं होगा। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे मोदी जी, योगी जी और भाई डॉक्टर ए पी सिंह पे और अपने भगवान कृष्ण पे पूरा विश्वास है कि मेरे साथ गलत नहीं हो, क्योंकि मैंने किसी के साथ गलत नहीं करा। लोग कुछ भी कहे, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं करा, गलत मेरे साथ था तो मैंने अपनी ज़िंदगी का फैसला लिया है, तो मानती हूँ मेरी गलती है, तो उस गलती की मैं खुद में कहती हूँ मुझे जो सज़ा दोगे मुझे कबूल है, पर ये सज़ा में ये ना हो कि मुझे पाकिस्तान भेजा जाए, मैं ये नहीं चाहती। आपसे जब भी जिक्र पाकिस्तान वापस जाने का किया जाता है आप भावुक हो जाती हैं। मैं नहीं जाना चाहती, मैं वहाँ जाने से नाम से भी खौफ आता है मुझे, तो वहाँ के लोग, लोगों के दिल में रहम नहीं है, कोई भी उनको नरम दिल नहीं, बिल्कुल भी उनके दिलों में नफरत है मेरे लिए, वहाँ की जनता आग उगल रही है मेरे लिए, तो सब लोग यही चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ, वो लोग पाकिस्तानी लोग चाहते हैं कि यहाँ आए हम इसको बताएँगे सिखाएँगे, क्योंकि तो एक चीज़ मिसाल देंगे मैं आपको ये बता दूँ, पहले मुझे टॉर्चर करेंगे, जहाँ तक मेरी सोच है वहाँ के लोग इस तरह हैं, टॉर्चर करेंगे, भारत के खिलाफ बुलवाने की कोशिश करेंगे, मैं आपको सीधी बात बता दूँ, इस तरह ही टॉर्चर करके भारत के खिलाफ बलवाने की कोशिश करेंगे, और ज़िंदा तो मुझे छोड़ेंगे ही नहीं, मुझे तो ये विश्वास है, सी पता है उन लोगों का, ऐसे ही करेंगे, पर मैं नहीं चाहती कि इतने सुंदर देश के खिलाफ मुझे बुलाने की कोशिश की जाए, भले जान दे दूँगी भारत के लिए। मैं आज ये भी कह रही हूँ, पाकिस्तानी लोग कुछ भी कह लें, भारत जैसा सुंदर देश कोई हो ही नहीं सकता, मैं यहाँ भी कह रही हूँ, भले किसी हाल में भी रहूँ मेरे मुँह से यही निकलेगा, भारत की खूबसूरती, भारत के अच्छे त्यौहार या मोहब्बत, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए प्यार, सम्मान, ये मैं कभी नहीं बोल सकती ज़िंदगी में कहीं भी हूँ जी। क्या बात है, बहुत सुंदर। सचिन जी, दिवाली है और आज धनतेरस है, कल दिवाली है, क्या गिफ्ट देने वाले हैं खास सीमा जी को? गिफ्ट तो अभी नहीं देना है या सरप्राइज है? नहीं, साड़ी दिलाई, मुझे पहले ही दिला दी एडवांस में कि दीपावली पे तुम ये साड़ी पहनना, तो दिला दी है जी। और बच्चों के लिए क्या लेकर आए? देखते हैं हम आपका बच्चों से, सीमा जी से ज़्यादा खास बॉन्ड देखने को मिलता है, जितना बच्चे आपके बारे में बात करते हैं उतना सीमा जी के बारे में भी बात नहीं करते हैं, तो बच्चों के लिए क्या लेकर आए, क्या खास है? बच्चों के लिए कपड़े लेकर आए हैं, कपड़े हैं और नए कपड़े लेकर आए और चीज़ें भी दिलाएंगे, और छोटे छोटे से जो बम होते हैं वो भी बच्चों को दिलाएं, शाम को या बालक अभी फोड़ेंगे बस। सीमा जी, जैसे आपने बताया कि आपने दिवाली नहीं मनाई है पाकिस्तान में, तो अब आपके चार बच्चे हैं तो वो भाई दूज मनाएंगे यहाँ पे?
बिल्कुल मनाएंगे भैया दोज। और मैं आपको बता दूं, मैंने अपने भाई डॉक्टर एपी सिंह के लिए छोटा सा गिफ्ट भी लिया है। अच्छा, आप भी? क्योंकि हाँ बिल्कुल मनाऊंगी, मैं भी मनाऊंगी और मेरे बच्चे भी मनाएंगे, हमारा परिवार पूरा मनाता है, पूरा भारत। ये भैया दोज ये मुझे दिखाते थे वीडियो कॉल पे, जब वीडियो कॉल फ़ोन धर के सामने तो दिखाते थे कि इनकी जो बहन है वो उनको तिलक वगैरह लगाती थी और नारियल वगैरह चीज़ें फल फ्रूट इनको देती थी, तो बदले में ये उनको कुछ देते थे पैसे वगैरह। तो इस बार मैंने भी अपने भाई डॉक्टर एपी सिंह के लिए छोटा सा गिफ्ट लिया है, जितनी मेरी हैसियत है तो मैंने अपने भाई के लिए भी गिफ्ट लिया है, क्योंकि भैया दूज हम भी मनाएंगे जी। बच्चों को किस तरीके से भाई दूज का महत्व समझाएंगी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब वो पाकिस्तान में थे तो उनको मुस्लिम के सारे चीज़ें पता थी, तो उनको ये पता था कि, और ऐसा होता भी है कि अगर कोई कज़न है तो उसके साथ शादी हो जाती है, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बच्चों को किस तरीके से हिंदू रीति रिवाजों के बारे में बताएंगी, भाई दूज का महत्व बताएंगी? पहली बात तो जब मेरे बच्चे पाकिस्तान में थे तो वो इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि ये स्कूल इतने गए नहीं, जब राज स्कूल गया भी है तो इंग्लिश वाले स्कूल में इनको भेजा था, तो अभी ये छोटे थे तो इनको इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता। और ये बात हिंदू धर्म की, तो ये जिस तरह रक्षाबंधन ऐसे खूबसूरत त्यौहार पाकिस्तान में नहीं होते, वहाँ दो ही ईद होती है मैं आपको बता दूँ, इसके अलावा कोई बहन भाई का कोई त्यौहार नहीं है, कोई सी चीज़ें नहीं है। तो जिस तरह रक्षाबंधन इन्होंने बहुत अच्छे से मनाया, तो भैया दूज भी मनाएंगे। और हमेशा मैं इनको बताती आती हूँ जो पवित्र रिश्ते हैं, बहन हो गए, जैसे चाचा की लड़की भी बहन ही होती है, तो ये चीज़ें मैं इनको अब समझा रही हूँ, उनको खुद भी समझ में आ गया है, बच्चा राज को तो आ ही गया है, तो कहीं ना कहीं मैं भी मानती हूँ कि ये गलत है, चाचा की लड़की तो बहन होनी चाहिए। हाँ, इस्लाम धर्म में अपने ही खानदान में शादी कर देते हैं। हाँ, और हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इस्लाम में जब चाचा की लड़की तो बहन ही होगी, तो वहाँ शादी करना कहीं ना कहीं कहते हैं अच्छी बात है, खुशनसीबी है, हमारी बेटी लकी है कि चाचा के लड़के की पत्नी बन गई, तो ये गलत है, कहीं ना कहीं वो बहन भाई ही लगते हैं। और बचपन में हम, जैसे मैं अपने कज़नों को भाई बुलाती थी, वो मुझे बहन मानते, तो बड़े होकर शादी करना, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म में भाई बहनों को साथ में शादी कराना, तो एक भाई बहन के रिश्ते पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, बिल्कुल कहीं ना कहीं गलत। वो कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करते, पवित्र का ख्याल रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत है, ये मैं चाहती, मैं भी चाहूँगी कहीं ना कहीं ये बंद होना चाहिए जी। रिश्ते तो कहीं भी मिल जाते हैं, शादियाँ तो होती रहती हैं, बस ज़रूरी तो नहीं आप भाई 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 के मतलब शादी करा दें, कज़न हो, कज़न तो बहन भाई ही होते हैं जो साथ पलते हैं, बढ़ते हैं, खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहन भाई ही होते हैं जी। अब हम चलते हैं जेठानी जी के पास। सीमा जी को आए हुए यहाँ पे काफ़ी वक्त हो गया है, तो कैसा लग रहा है आपको, पहले ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छी लगती है, और घर में सबसे मतलब हंसते बात करती है, बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारी लगती है, इसकी भाषा भी सबसे रहे, अच्छा बोलना, अच्छा चालना, मतलब इसके चाल चलन भी बहुत ही अच्छे है। आपका और इनके बीच का रिश्ता कैसा है, किस तरीके से घर में रहते हो आप दोनों, चीज़ें शेयर करते हो बहनों की तरह, कैसा रिश्ता है उसके बारे में बताइए। बहनों की तरह रहते हैं और प्यार से रहते हैं, बहनों की तरह ही मतलब दोस्त की तरह बातों को शेयर करते हैं। सारी बातें शेयर कर लेते हो एकदम बेझिझक होके? हाँ, सारी बातें शेयर कर लेते, पहले तो मुझे ये बताती है, फिर बाद में मम्मी भी हमारी मतलब दोस्त की तरह, फिर इनको बताते हैं हम। अच्छा, जब सीमा जी पाकिस्तान में थी तब मन करता था उनसे बात होती थी तब आपकी जी? बात करते थे वीडियो कॉल पे, ये बात करते थे तो हम भी बात करते, मैंने कि पहले हमारी बात करा बाद में आप करना, क्योंकि आप तो सारी रात करते रहते हो, तो इसलिए मैंने कि पहले हमारी बात कराओ फिर बाद में करना आप। कभी सोचा था कि ये यहाँ पर आ जाएंगी और आप साथ में रहेंगे? कभी नहीं सोचा था, पर हम बोलते थे माता रानी हे भोलेनाथ पर इसे भेज दो यहाँ पे, बोलते थे, पर वहाँ पे भी हम कहते थे, मैं इनकी सीमा जी नहीं कर रहा तेरा यहाँ आने को, कि हाँ बहुत जी कर रहा है आप सबके साथ रहने को, मैंने कि तो यही समझना कि मैं भी आपके साथ ही हूँ। अच्छा माता जी के पास चलते हैं अब। आप मुझे बताइए, आपकी तो तमाम वीडियोस हम बहू रानी के साथ देखते हैं, कैसी है बहू रानी पहले आप ये बताइए। बढ़िया है, बढ़िया, अच्छी भी लगे, और काम तो खूब बढ़िया करें, और रोटी पानी भी सब करें, और बच्चे को भी सब घर परिवार को भी सबको खाना बनावे, और खूब अच्छी लगे, और खूब बढ़िया से बनावे खाना, इतनी अच्छी सब्जी रोटी इतनी अच्छी लगे आके खाने के, सीमा हम गए सीमा तू बना सब्जी, कि हाँ मम्मी जी हम बनाएंगे सब्जी, और सब्जी रोटी तो हर वक्त इतनी फुर्ती लो काम करें कि इतनी अच्छी लगे, तो हंसी खुशी में इतनी प्यार है, इतनी अच्छी है, बालक भी इतनी प्यारी है, और सीमा भी इतनी पतो भी ना पड़े बल्कि
मतलब कब काम है जा, कब रोटी कर दे, कब का है जा, सब मतलब घर पर आकर सारी जिम्मेदारी इन्होंने अपने हाथों में ले ली है। अब आपकी टेंशन खत्म, बिल्कुल खत्म है, यही करे सब कुछ सारा, और यही के ऊपर सब सब काम यही करे, तो फिर हमें ही काम बिना करन दे, हमें इतनी बढ़िया काम करे। अच्छा, जैसी बहू आपको सचिन जी के लिए चाहिए थी वैसी मिली है क्या? ये चुना मिली, बातें भी दुगनी बढ़िया मिली है। इतनी प्यारी लगेगी, या कि बोली या कि हंसी इतनी अच्छी लगे कि मैं तो न कहूँ। सीमा तू ऐसी हंसती खुशी अच्छी लगे तू, कि हाँ मम्मी जी ठीक कह रही हो, तो बहुत बढ़िया लगे तू। अच्छा, जब सीमा जी यहाँ पर आई थी तो गली वालों ने, आसपास के लोगों ने आपको बहुत ताने दिए होंगे, क्या थी वो बातें एक बार बताइए। ये फिर भी खेरा पब्लिक जो आसपास के, जब हमें ही अच्छो लगो तो आसपास थे का जरूरत है, सबको भी अच्छी लगी फिर और सबको बढ़िया लगी। अब लोग आते हैं मिलने? खूब आवे। अच्छा। इतनी मिल के जाके पूरे दिन भी होश नहीं आने, देख के चले फिर दोबारा वापस आवे देखने। अच्छा। मैंने कि तुम्हारा जी नहीं भरा के नहीं, मैंने कि अब उसकी तबीयत सही ना, तुम चले जा, झूठ बोल देते हैं फिर उससे। तो दिखा दो सीमा को थोड़ो बहुत के भाई सो रही हूँ, सोन दो, सिर में दर्द है और पेट में भी दर्द है कभी कभार, तो हम यहाँ उठा में ना धीरे। फिर भी मानती नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ काम करने लग जाती है। मैंने कि बैठ जो अस्पताल में, ठीक नहीं है कि नहीं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। और पता भी ना पड़ती बीमार है या नहीं, क्योंकि रहती ऐसी हंसी खुशी, पता ही नहीं चलती कि इसकी तबीयत खराब है। सासू माँ जी, आप मुझे बताइए कि अगर सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की बात होती है, क्या करेंगे आप? बिल्कुल ना जाएगी, ना जाएगी सीमा, जब हमें अच्छी लग रही है और सीमा है ना जाएगी, नहीं जाने नहीं दोगे? नहीं, क्योंकि जांच एजेंसियाँ देखिए लगातार जाँच कर रही हैं, अगर उन्हें कुछ मिलता है क्या लगता है कि भेज दिया जाएगा वापस? और अगर 1% होता है कि वापस जा रही हैं, तो फिर उसमें क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, कुछ भी, अरे क्यों जाएंगे नो बताओ, जब ये हम अच्छी लगी है और हमें खूब बढ़िया है, हम तो राजी है हर खुशी ते आपको, और भेज कैसे देंगे हम ना भेज रहे हैं। जब ये पाकिस्तान थी तब बातें होती थी आपकी? हाँ, हो जा भाई, तब से पसंद है आपको ये? जो ना पसंद है पहले तो ही पसंद है, आ भी गई है यहाँ भी बात करवाई है सचिन ने, वहाँ भी पसंद, यहाँ भी जो किराए पे रहे भाई, हाँ। यहाँ भी यानी फोन फानन पे बात करवाई। अच्छा, आप चाहते हैं कि सचिन जी और सीमा जी का एक दोनों के जो प्यार का छोटा सा हंसता खेलता हुआ बालक आप चाहती हैं इस घर में? चाहती है, हम दोनों के अच्छो, दोनों को एक बेबी आ जा तो खूब अच्छी लगेंगे, घर सबरे घर परिवार खुशी रहेंगे। और इतने लेट हो रहे हैं, बेबी अभी आई नहीं रहा। बहुत ज़्यादा मतलब कब खुशी आवे, कब चिंगारी सुनाई जाए, पर अभी भगवान सुनी नहीं रहा, जल्दी सुने। हम तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मैं इनकी माता रानी सुन ले सुन ले। अच्छा, हिंदू रीति रिवाजों के बारे में आप सीमा को बताती हैं? खूब बताएं सर, जितनी ज़्यादा दिन त्योहार जो चालू भई है, खूब सर हर त्योहार में आपको हम तो पहले जानकारी आपको भी आ जाए। अच्छा। और इतनी जान गई है खूब, हर त्योहार पे, हर त्योहार पे पूजा करती है, सबसे पहले ठाड़ी है जा पूजा करने को, बताने की भी जरूरत ना पड़ती, पहली पूजा में तो पहले ठाड़ी होती है पूजा में, तो पता नहीं पहले से ही मतलब पूजा में ज़्यादा लगन है। तो सीमा जी, जांच एजेंसियां ना आपके एग्जैक्ट पते की जांच कर रही हैं कि आप रहने वाली कहाँ की हैं एग्जैक्टली, तो क्या लगता है उस पर? मेरा जो पता है, जब पैदाइश मेरा में सारा मैंने बता दिया है, और मुझे विश्वास है कि जो पता मैंने बताया वही आएगा, सच सच ही आएगा, झूठ सामने नहीं आता कभी भी, क्योंकि मैंने खैरपुर मीरस की हूँ मैं, कोट रिजी सिंध ब्रांच से हूँ मैं, और ज़िंदगी में मैंने खैरपुर से कराची तक का ही सफ़र करा है, उसके अलावा ना मैंने लाहौर देखा है, ना मैंने पंजाब देखा है, ना मैंने कोई दूसरा शहर घूमी हूँ मैं, कराची से खैरपुर, खैरपुर से एक बार जेकमाबाद हैदर के गाँव गई थी, ये एरिया मैंने घूमी हूँ ज़िंदगी में, अगर कहीं गई हूँ सभी काम से घूमना फिरना मैं अलाउड नहीं था, बस कराची में थोड़ा बहुत घूमने समंदर वगैरह जाते थे, वो भी अभी जाते थे जब हैदर ने मुझे छोड़ दिया, जब तक हैदर थे तो मैं घूमने कहीं भी नहीं गई, तो कराची, खैरपुर और जेकमाबाद, बस यहीं मैं ज़िंदगी में अगर कहीं गई हूँ तो यहीं गई हूँ। अब भारत घूमने का मन करता है आपका? बहुत मन करता है, और सचिन भी कहते हैं चार्जशीट मिलने के बाद हम 2 महीने तक तो घूमते रहेंगे, तो मैं यहाँ, मुझे मंदिर वैष्णो देवी और वृंदावन जाने की बहुत इच्छा है, मैं तो सपने में भी वृंदावन देखती हूँ,
कि वृंदावन कब जाऊंगी, मेरी बहुत इच्छा है। और कौन कौन सी जगह जो चाहती हैं कि सबसे पहले इन्हीं जगह पर जाऊं? पहले तो मैं वृंदावन, वैष्णो देवी जाना चाहती हूं और खट्टू श्याम जाना चाहती हूं, ये भी होकर आए हैं। केदारनाथ जाना चाहती हूं, पहले तो मैं मंदिर घूमना चाहती हूं, उसके बाद जो है ना उसके बाद घूमेंगे और इन्जॉय लाइफ जो बाद में करेंगे, पहले मंदिर, क्योंकि इन्होंने भी कहीं ना कहीं प्रसाद उठाए हैं कि सीमा आ जाए मेरी ज़िंदगी में, आराम से आ जाए, तो फिर हम वहाँ दोबारा जाएंगे, जोड़ी बन के साथ जाएंगे। तो बिल्कुल पहले मंदिर जाना चाहती हूँ, सबसे पहले वृंदावन, वैष्णो देवी, केदारनाथ, बिल्कुल खट्टू श्याम। तो ये थी मेरे साथ सीमा जी और उनका परिवार। कितनी खूबसूरती के साथ इन लोगों ने बताया कि दिवाली पे ये लोग क्या कुछ खास करने वाले हैं। कैमरा पर्सन संजीव के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, रघुपुरा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।